देखा ये है? देखो शाजी बुजुर्ग बने पीर सा, पीर कर दे। यू कैन सी द वेरी स्वॉलन गम्स। हे यो गाइस, व्हाट्स अप, व्हाट्स गोइंग ऑन, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ मॉम एंड आई। यार अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और ये बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबा दो सो यू कैन बी नोटिफाइड व्हेनेवर माय न्यू वीडियो पॉप्स आउट। खैर आज का व्लॉग एज यूजुअल बड़ा जबरदस्त होने वाला है भाई जान, क्योंकि आज हमारी कैंडी जो है उसके स्केलिंग हो रही है और उसको डॉक्टर के पास जाना है। और आज हम आपको दिखाएंगे, फॉर ऑल दोस पेट लवर्स बाय द वे जिनके पास कैट्स या डॉग्स हैं, कि जानवरों में भी भाईजान स्केलिंग होती है और उनकी ओरल हाइजीन का कितना ख्याल किया जाता है, फॉर ऑल दोस पेट लवर्स। तो खैर एनीवे, जुड़े रहे साथ, हम आपको लेके चलते हैं नीचे, सो अम्मी से भी मिलते हैं और फिर चलते हैं भाईजान कैंडी को लेके। ऑलराइट, सी यू लेटर। यार नीचे चलते हैं। ओके गाइस, देखते हैं कि अम्मी क्या कर रही हैं, फिर और काम भी हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ। अस्सलाम वालेकुम, कब आए ली है आगे? बस ठीक ठाक, आप बताएं कैसा रहा दिन? हाँ अल्लाह का शुक्र है, बस ऑफिस से आ गई थी, उसके बाद बैठी हुई थी ऐसे कुछ ओल्ड मेमोरीज वर्दे आगे किए हुए हैं। बात तो बड़ी अच्छी रोशनी है। बस अच्छा, तो ओल्ड मेमोरीज कुछ देख रही थी। अच्छा क्या तस्वीरें? ये देखो, तुम छोटे से हो, मुझे बहुत पसंद आई। याद है मरियम गए थे और तुमने स्नोमैन बनाया था, और आपा ने वहाँ कनेट कॉलेज की लड़कियाँ आ गई थी, वो तुम्हें छू रही थी, तो तुम कह रहे थे मामा। मैं कितने साल का था इसमें? अरे यू वर 5। हाँ क्या कह रही थी? कहते तुमने कहा मामा इन लड़कियों को कह दे मुझे हाथ ना लगाए, मामा इन लड़कियों को कह। वो कह रही थी आंटी हम इसको ले जाएं, मैंने कहा अच्छा ले जाओ। अब तो तुम कभी भी ना कहो मामा लड़कियों को कहे हाथ ना लगाए। अब तो कहूँ के और लगाए हाथ। बात तो सही है। ये मामू की शादी थी, बबलू मामू की, तो तुम और आप आओ। ये वो मेरे मामू हैं। हाँ, जो बबलू मामू की है। पुलिस से अभी आईजी थे, वो रिटायर हुए हैं, उनकी शादी की। दिस इज व्हाट ईयर? आई डोंट नो, लॉन्ग लॉन्ग टाइम। आई थिंक यू वर हार्डली 5 एट दैट टाइम। नहीं बाबू। हाँ ये बहुत अच्छी तस्वीर है, क्या बताऊं तुम्हें, क्या बताऊं, सरप्राइज। ये देखो शाजी बुजुर्ग बने पीर साहब। मुझे याद है पीर साईं आए थे मीठे चौथे। जबरदस्त यार, वर्ड मेमोरी। ओ ये तो हम पोस्टेड थे कहाँ पे, क्वेटा में थे। हाँ, मेरा ख्याल है जब ये तस्वीर हमने। हाँ, आर्मी का ही घर था पीर साहब, और अब्बू से उस दिन मैंने अब्बू से बड़ी मार खाई थी यार इस तस्वीर के पीछे। अल्लाह बख्शे, उन्होंने बड़ा पीटा था, तुमने क्या ये बन गए हो मौलवी दर। और अब केंडू को पता है, मैं तस्वीरें देख रही थी, केंडू को लेके जाना है। ये तभी आई है, इसीलिए आई है कि बताने को कि इट्स टाइम फॉर हर टू गो। बड़ी जबरदस्त है, एक मैं तस्वीर आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। सो दिस इज अम्मी एंड अब्बू, अब्बू को जन्नत में जगह दे, और अम्मी हैं साथ। और ये अब्बू की जवानी की तस्वीर है, व्हेन ही वाज अ कैप्टन इन पाकिस्तान आर्मी। तो चलें अब चलते हैं केंडू को लेके। A few moments later. Hi guys, जैसा मैंने कहा था अभी हम केंडू को लेके जा रहे हैं। हेलो माँ, अस्सलाम वालेकुम। अभी हम केंडू को कहाँ लेके जा रहे हैं? वेट के पास, बीमार, फिर बीमार हो गई है यार केंडू। एक तो यार बड़ी बीमार हो जाती है। चिप, चिप। यार हमने हनके शनके लगा ली। अम्मी आपकी कहाँ है? मेरी बैग में। अच्छा चले, मैंने तो अपनी लगा ली यार, थोड़ा जरा चमैक्सी लग रहा बंदा यार कैंडी को लेके जा रहा है, तो पता चलना चाहिए कि हम अपनी काकी को लेके आए यार, ठीक है ना। अभी हम जा रहे हैं पीछे पैकेजेस की तरफ से, और फटाफट पहुंचते हैं एक बाल टाउन, बिकॉज डॉक्टर इज देयर। तो चले यार, अभी हम रास्ते में ऑलमोस्ट हम पैकेजेस मॉल के पास पहुंच गए हैं। आगे हमारे इतना बड़ा किस्म का जो है सूरज चमक रहा है मेरे मुंह पे। खैर मैं तो वैसे ही सूरज हूँ यार, अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहा हूँ मत कर, मैं चांद की रोशनी में चमकता हूँ। अम्मी वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? चांद का टुकड़ा। फाइनली हम लोग केंडू को लेके आ गए हैं, और कैंडी जो है ना अभी सही टूटू कैंडी जो है ना परेशान हुई हुई है कि ये क्या हो गया मेरे साथ। अब आपको मैं दिखा सकता हूँ कि हम कहाँ आए हैं, तो आप देख सकते हैं हेल्दी पेट एनिमल क्लिनिक, और ये डॉक्टर जैन का क्लिनिक है जो यू वैस के डॉक्टर हैं, ठीक है। तो अभी हम अंदर चलते हैं और आपको साथ में दिखाते हैं कि
क्या होता है, क्या नहीं? अच्छा, हम आगे थे, डॉक्टर जैन है यहाँ पे और अभी वो कैंडी को एग्जामिन कर रहे हैं। अच्छा सर, अब बताएं आपके क्या सीन है कैंडी? कैंडी माशाल्लाह 10 इयर्स ओल्ड एंड प्लस, सो द मेजर कंप्लेंट कि ये खाना नहीं खा रही, एनोरेक्सिया है काफ़ी दिनों से, और दूसरी चीज़ कि इसके दोनों साइड्स की जो अपर मोलर्स हैं उसके गम्स हैं वो स्वेल हैं बहुत ज़्यादा। सर वो हम देख सकते हैं, थोड़ा सा आप उसका एग्जामिन ओरल करा के अगर हम ये नोट कर दे, सो यू कैन सी अपनी किबल्स को इसके साथ अभी हम क्या करने लगे हैं? इसके साथ हम ये करेंगे कि हम इसको माइल्डली सेडेट करेंगे और प्रोबेबली हम गैस एनेस्थीसिया यूज करेंगे क्योंकि ओल्ड एज कैट है और ज्यादातर किडनीज और लीवर कम्प्रोमाइज होते हैं इन कैट्स में। ठीक है गाइस, फाइनली अभी कैंडी को सेडेट करने लगे हैं, सो वी विल सी यू आफ्टर द ब्रेक। फाइनली कैंडी को हम लोग बेहोश करने लगे हैं, एनेस्थीसिया देने लगे हैं। कैंडी पूरी तरह बेहोश हुई है। कैंडू का जो पीछे वाला रूट कैनाल है उसमें सिर्फ टाटर है और वो हम रिमूव नहीं कर रहे, उसका सिर्फ क्लीन है और वो वहाँ से बाहर आ जाती है आगे से। मतलब कि यहाँ अगर डालेंगे इस यहाँ पे कोई ओपनिंग है तो ये थोड़ा गैप है, अगर रूट्स इसकी ख़राब इन्फेक्टेड होगी तो मेरी ग्रोथ वहाँ से आगे निकल आएगी भाई। दैट इज इंडिकेशन कि ऊपर के दांत इसके गिर गए हैं डॉक्टर साहब? नहीं, ऊपर के दांत हैं। हाँ हैं, ये ऊपर वाले हैं सारे, ऊपर वाले प्रीमोलर मोलर, ये प्रीमोलर और ये मोलर, ठीक है, ये इंसाइजर्स होते हैं। जख्म बने हुए, जख्म जो जरूर है वो इंफेक्शन। कैंडी को सर ये अभी क्या लग रहा है? अभी इसको एंटीबायोटिक लग रही है उनके लिए, साथ में हम उसको एंटी इंफ्लेमेटरी लगा रहे हैं, पेन किलर भी है साथ में। ये क्या है? ये है एफ्लाइजर, ये लगनी ज़रूरी है मुँह के लिए। ओके, इतने भी ऑरल इन्फेक्शन है उसका पार्ट है, फिर इसके बगैर इन्फेक्शन ठीक नहीं होती। ओके गाइज, फाइनली हम लोग वापस आ गए थे और ये देखे भाई जान कौन है, ये कैंडी मेरी गोदी में बैठी हुई है। ठीक है अम्मा जी, कैसा आपका, आपने भी फर्स्ट टाइम देखा तो कैसा, हाउ डिड यू फील? आई डोंट नो, आई जस्ट फील कि ये जैसे इंसान होते हैं ना, अपनी ओरल हाइजीन का ख्याल करते हैं, अपने दांतों का, बाकी अपने और अपनी पूरी हाइजीन का ख्याल करते हैं, इसी तरह एनिमल्स को भी ख्याल करना चाहिए और एनिमल्स का जो उनके मास्टर्स हैं उनको चाहिए कि उनकी ओरल हाइजीन का भी ख्याल करें और उनकी फिजिकल हेल्थ का भी। फिजिकल हेल्थ का तो बहुत ज्यादा जरूरी है और नहीं होगा तो फिर वो बीमार हो जाते हैं एंड देन फाइनली दे डाई। गाइस वैसे हकीकत ये है कि दे आर पार्ट ऑफ योर फैमिली एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज फैमिली मेंबर्स एज वेल। खैर एनीवे, इसी के साथ आज का वीलॉग खत्म करते हैं। अगर आप लोगों ने इंजॉय किया है तो भाई कॉमेंट में हमें लिख के बताएं, ठीक है, और अपने जो आप लोगों ने मजीद कंटेंट देखना है उसके बारे में भी हमको बताएं कि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट बना सकें, ठीक है, और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें। और सिर्फ इंसान लोग सिर्फ अपने ये जो स्केलिंग है दांतों की और क्लीनिंग नहीं कराते, जानवरों की भी होती है, वो आपने अब देखा होगा। बिल्कुल, इट वॉज आवर फर्स्ट टाइम एज वेल, हमने जैसा बताया आपको कि सिम्बा के अल्लाह से बख्शे सिम्बा की हमने नहीं कराई, फॉर अस इट वाज आल्सो द फर्स्ट टाइम एंड वी लर्न अ लॉट एंड आई होप कि आप लोगों ने भी कुछ ना कुछ सीखा होगा। इसी के साथ टेक केयर, गॉड ब्लेस यू और जुड़े रहें फॉर अनदर वी लॉग ऑफ मोमिनाई। टेक केयर गाइस, बाय, खुदा हाफिज़।